छत्रपति शिवराय स्मारक समिति, प्रशांत हाईस्कूल, बीसीएन न्यूज और सार्थक बहुउद्देशीय संस्था की ओर से हिवरी नगर परिसर के नागरिकों के लिए भव्य रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर हिवरी नगर के सैकड़ों नागरिकों ने स्वास्थ्य की जांच की तथा नेत्र जांच करके मुफ्त चश्मों का वितरण आयोजकों ने दिया। छत्रपति शिवराय स्मारक समिति, प्रशांत हाईस्कूल, हिवरी नगर, बीसीएन न्यूज चैनल और सार्थक बहुउद्देशीय संस्था, इनके संयुक्त तत्वावधान में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज राज्याभिषेक दिन के अवसर पर भव्य रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर हेवरी नगर परिसर के नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच डॉक्टर के टीम की ओर से की गई। प्रकाश हाई स्कूल के प्रांगण में नेत्र तपासनी, चेस्ट एक्सरे, दंत चिकित्सा, बीपी, शुगर, मोतियाबिंदु चिकित्सा शिविर आदि का बेहतरीन आयोजन किया गया। इस मौके पर परिसर के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चश्मों का वितरण किया गया। इस मौके पर आयोजकों ने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। इन्होंने जब स्वराज्य की स्थापना करनी थी तब एक राजा होना बहुत जरूरी था, लेकिन स्थापना तो उम्र की 14वीं साल में ही की। उसके बाद जब वो पहले छत्रपति बने, उसके बाद उन्होंने स्वराज्य का और सुराज्य का जो शासन निर्माण करना था, उस उद्देश्य से आज के दिन उन्होंने पहले ही 6 जून को पहले छत्रपति बने। और उनके उस उपलक्ष्य में हम हर साल पिछले विगत 7-8 सालों से विविध सामाजिक उपक्रमों के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज्य अभिषेक सोहळा अख्ख्या संपूर्ण अखंड महाराष्ट्रामध्ये जो मोठा उत्साहाने साजर करत आहे, या कोरोनाच्या काळामध्ये अख्ख्या जनतेला जे आर्थिक संकट अभिवलं त्याच्या लक्षात घेता छत्रपती शिवराय स्मारक समिती जे समाज कार्यामध्ये अग्रेसर आहे, जे महेंद्रजी कठाने संस्थापक आहे, यांची सगळी समूह अहोरात्र प्रयत्न करत आहे। आता आपल्याला थोड्या वेळापूर्वी माहिती दिली की एका अपंग व्यक्तीला गाडी पण दिली या माध्यमातून, आणि असेच हे शिबिर, आरोग्य शिबिर पूर्ण नागपूर शहरामध्ये गेला 1 महिना सुरू राहील। यामध्ये आमच्या सहयोगी मित्रमंडळ जे एक मीडियाच्यामध्ये समाज कार्याच्या सुद्धा पण ते अग्रेसर आहे, INBCN न्यूज याच्या माध्यमातून आमची सार्थक बौद्धिक संस्था असं पूर्ण हे महिनाभर कार्यक्रम होईल। आणि या ठिकाणी आज या प्रशांत हायस्कूलमध्ये सकाळी 10 वाजतापासून तो दुपारी 2 वाजेपर्यंत शिबिर राहील। जवळपास आतापर्यंत 100 ते 150 लोकांनी कोरोनाच्या पूर्ण प्रोटोकॉलचे नियम घेऊन हे सगळं कार्यक्रम होत आहे। यामध्ये नेत्र तपासणी, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, गरजू रुग्णांना औषध वाटप, छत्रपती शिवराय स्मारक समिती यांच्यातर्फे, त्याचप्रकारे मोफत एक्सरे व दंत तपासणी, आणि संपूर्ण जे काही त्यांना आरोग्याच्या संबंधीचे मार्गदर्शन आहे हे आम्ही करत आहे। आणि मी संपूर्ण नागपूरांना विनंती करतो, जे आता त्यांना काही डोळ्याच्या संबंधित त्यांना समस्या असेल तर हे आमचं शिबिर इथंच थांबलेलं नाही आहे। दररोज संध्याकाळी 6 ते 8 वाजेपर्यंत जुनी यशवंतराव चव्हाण शाळा कामगार कल्याण केंद्राच्या मागे जे धर्मार्थ दवाखाना आहे, या सगळं INBCN न्यूज, छत्रपती शिवराय स्मारक समिती आणि सार्थक बौद्धिक संस्था यांच्या माध्यमातून दररोज तिथे शिबिर सुरू राहील। भव्य स्वास्थ्य निदान शिबिर को हेवरी नगर और उसके आजूबाजू में रहने वाले सैकड़ों लोगों ने इस स्वास्थ्य निदान शिबिर का लाभ उठाया है और आयोजकों द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य निदान शिबिर की सराहना की। प्रकाश विद्यालय से कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट।